Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Exercise 1.4 question number 7 start कर रहे हैं. ठीक है, ये होमवर्क था, मैं कर रहा हूँ. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, because आप देख रहे हैं कि रूट हैं तीनों, तो प्लीज इसमें आप डायरेक्टली स्टार्ट कैसे करते हैं, स्क्वेरिंग करके. सो स्क्वेरिंग बोथ साइड्स. तो जब स्क्वेरिंग लेफ्ट पे करेंगे तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी, और राइट पे करने से ये बनेगी. ठीक है, और लेफ्ट पे हम इसको 11 माइनस एक्स और राइट यहाँ से 6 माइनस एक्स. अब ये बिहेव हो रहा है दो टर्म, ये इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म शुमार करते हैं. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 11 माइनस एक्स इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 6 माइनस एक्स, और बाद में 6 माइनस एक्स रूट का स्क्वायर. ये लेफ्ट वाली वैल्यू होगी. आप नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट काट के सिंपल 27 माइनस एक्स लिख रहा हूं. 27 माइनस एक्स. लो, अब समझते हैं कि रूट स्क्वायर काट रहा है, तो यहां से 11 माइनस एक्स आ गया. इनको दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में सेम पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं. तो इसको मैं 11 माइनस एक्स टाइम्स टू 6 माइनस एक्स लिख सकता हूं. यहां से ये कैंसिल हो गया 6 माइनस एक्स, और यहां से 27 माइनस एक्स. अब आप देखें कि ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स इस माइनस एक्स से कैंसिल हो गया. वजह क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो प्लस सबसे, और माइनस एक्स और प्लस एक्स जीरो होते हैं. तो उसके बाद क्या बचा, यहाँ से देखा जाए तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, चूंकि इस पूरे रूट के साथ नेगेटिव साइन है, तो बजाय मैं इनको शिफ्ट करूँ, मैं इस पूरे रूट को उधर शिफ्ट कर देता हूँ. तो ये जो 2 है ये साथ ही आएगा, और 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स. अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो फिर मैं इसको यहीं रहने देता और इन नंबर्स को, इनको और इसको उधर ले जाता. अब आप देखिए यहां से ये 11 और ये 6 तो बन गया 17, और माइनस एक्स तो पहले ही पड़ा हुआ है, और ये 27 भी इधर आ गया. तो अब देखते हैं कि इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो नेगेटिव एक्स और ये आंसर आ रहा है नेगेटिव 10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2. यहां पे हम इसको 11 माइनस एक्स टाइम्स टू 6 माइनस एक्स. अब मैं क्या करूंगा कि स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है, और यहां से आप नेगेटिव कॉमन निकाल लें या ना निकाल लें, आपकी चॉइस है. तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो फिर स्क्वेयरिंग दोबारा की. तो आपको मैं यहां पे एक बड़ी अहम बात बताने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी. फिर भी मैं 11 टाइम टू 6 66 हो गया, 11 टाइम टू एक्स तो माइनस 11 एक्स हो गया. तो वी गॉट अ माइनस 6 एंड माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. अब जब मैंने स्क्वेयरिंग की है, तो जब मैंने स्क्वेयरिंग लेफ्ट पे की है तो स्क्वेयरिंग राइट पे भी करनी पड़ेगी. जब स्क्वेयरिंग राइट पे करूंगा तो ये स्क्वायर इसको काट, इसको स्क्वायर टू का भी है तो 4 बन गया, और ये स्क्वायर रूट को काटेगा तो अंदर क्या आएगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर ये दोनों माइनस 6 और माइनस 11 माइनस 17 होते हैं, और ये प्लस 66. अब इम्पोर्टेंट जो चीज है वो इस तरफ है, देखिए यहाँ पे. अब आप पूछेंगे सर क्या करना है दोनों, हम तो आमतौर पे अगर ये ऐसे लिखा हो तो हम डील करते हैं नेगेटिव 2 वाला मामला. ठीक है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे प्लस 2 भी तो डील करेंगे, प्लस 2. लेकिन अगर दोनों माइनस के हो तो तब भी ये प्लस की तौर पर बिहेव होगा, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 10 और फिर 10 का स्क्वायर. तो उम्मीद करता हूं ये समझ लग गई होगी कि ये दोनों साइन पॉजिटिव के हों या दोनों साइन नेगेटिव के हों, ये एक ही तरह डील होता है दोनों. तो ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 2 टेंस 20 और 20 एक्स हो गया, और 10 का स्क्वायर 100 आपको पता है, और इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गॉट 4 एक्स स्क्वायर. 7 4s are 28, 68 आ गया, और 4 6 are 24, 264 आ गया. अच्छा, आप देखते हैं आगे. ठीक है, अब इसको, अब बड़ी टर्म यहां पे है तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर लेता हूं. इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर पहले आ गया, माइनस x स्क्वायर बाद में आ गया, माइनस 68x यहां से आया,
और नेगेटिव 20x यहां से आया, प्लस 264 यहां से, और ये 100 यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों को सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर आता है, इनको सॉल्व करें तो -88x आता है, इसको करें तो +164 इक्वल टू जीरो, यहां लिखा हो या यहां लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसमें a की वैल्यू 3 है, b की -88 है और c की 160 जी। तो अप्लाई करते हैं फिर, तो x इज इक्वल टू -b और b आपका -88 है, प्लस एंड माइनस, सो बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी, ए 3 है और सी 164 है, डिवाइडेड बाय 2a और ए अगेन 3 है। इसके दो आंसर्स निकलने जा रहे हैं, यहां से आ गया 88, जबकि इसका रूट लेने पे जो आंसर आएगा 76 आता है अपॉन 6। अब मैं यहां पे दो सो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक आएगा 88 प्लस 76 बाय 6 और एक आ रहा है 88 माइनस 76 बाय 6। तो यहां से इसका आंसर 2 आ रहा है, जबकि यहां से इसका आंसर 82 बाय 3 आ रहा है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा वेरी कर रहा है, मैं चेक कर, ठीक है जी, बाकी मैंने चेक कर लिए हैं, बिल्कुल यही दो आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं दोनों को बारी बारी। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं, पहले मैं करता हूं x इज इक्वल टू 2 को, तो जब मैंने रिप्लेस किया लेफ्ट और राइट में 11 माइनस 2 और 6 माइनस 2 एंड 27 माइनस 2, तो यहां से आ गया 9, 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, यहां पे 25 तो ये 5, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब साबित हुआ कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और दूसरी कौन सी वेरिफिकेशन है हमारे पास, 82 बाय 3 है, तो x इज इक्वल टू 82 बाय 3, तो ये जब मैं रिप्लेस करता हूं 82 बाय 3 यहां पर, और जब मैंने यहां पे रिप्लेस किया by 3, 82 by 3 और right side पे भी replace किया 27 minus 82 by 3, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारा जो है वो verified नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी आंसर जो है वो बराबर नहीं, क्योंकि असल में issue क्या है कि 82 by 3 जो आंसर आ रहा है वो आपका 27 point something है, और आपको पता है कि शायद रूट को इल्म होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो उसका कोई नो रियल सॉल्यूशन, सो नो रियल सॉल्यूशन, तो कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नो रियल सॉल्यूशन, तो इसलिए नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए ना यहां वेरीफाई हो रहा है ना यहां, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर है दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, और ये हमारा आंसर बनता है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।